गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेट करते हैं 2 मिनट सबके ज्वाइन होने का। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं जो नहीं आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इनपुट बफरिंग डिस्कस किया था। मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, पूरा नहीं। फेजेस ऑफ कंपाइलर स्टार्ट कर दिए थे। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? यस सर। ठीक है ना, तो हमने लेक्सिकल एनालिसिस जो फर्स्ट फेज है हमारी कंपाइलर डिज़ाइन का, ठीक है, वो हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर में हम क्या करते हैं ये हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। अगर किसी को कुछ भी डाउट है अभी भी, तो एक बार यूट्यूब पे जो मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर के, वो आप देख लें, नहीं तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लेक्सिकल एनालाइजर फेज बेसिकली क्या करते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस फेज में हम, मैं एक बार फिर से ब्रीफ करता हूँ कि हम क्या करेंगे, टोकन को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टोकन्स को, हमारे पास एक सोर्स प्रोग्राम आता है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसमें से हम क्या करेंगे, टोकन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ में हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरा एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी स्टार टू, इसमें हम क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में मेरे पास टोकन्स क्या क्या हैं। तो मेरे पास ए है, बी है और सी है। अच्छा, टोकन्स को किस बेसिस पे कैटेगराइज करूँगा मैं, कौन बताएगा? मैं इसलिए अभी पीपीटी शेयर करके नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को कितना याद है टोकन्स किस बेसिस पे आप लोग स्पेसिफाई करोगे, बताइए। ये सबसे पहला काम है हमारा एनालिसिस फेज का, बताओ। सर,
डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर। आस्था, बिना, रोहित, आप लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हो ना, हमें सर सीक्वेंस ऑफ बताइए कैरेक्टर। ये जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, फिर उसके बाद हमने इनपुट बफरिंग चलो बाद में देखा था, ये हमने स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन ये कैसे करेंगे हम बताइए। हेलो सर, स्ट्रिंग्स कैसे करेंगे सब वो एग्जांपल मैंने बता दिया, एग्जांपल के बेसिस पे हमने सबसे पहली चीज क्या की थी उस एग्जांपल में, दो तीन एग्जांपल कर लिए हमने उस पे। सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम, टोकन्स को कैटेगराइज किस किस में किया हुआ है हमने सर, वेरिएबल्स, सिंबल्स वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर, हाँ उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन। सबसे पहले जब हमारे पास या कंपाइलर के पास कोई भी सोर्स प्रोग्राम आता है तो वो क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको स्कैन करता है, एक एक कैरेक्टर को स्कैन करता है। उसके बाद जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में हम क्या करते हैं, टोकन्स को स्पेसिफाई करते हैं। और कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि भाई अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए इक्वल टू बी प्लस सी स्टार टू, तो इसमें कौन कौन से आइडेंटिफायर है मेरे पास, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर सिंबल है मेरे पास, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टेंट है मेरे पास, इसमें कौन कौन से स्पेशल सिंबल है मेरे पास, उसके कौन कौन से कीवर्ड है, ये पर्टिकुलर हम क्या करेंगे टोकन्स को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिकग्निशन ऑफ टोकन्स उसी का ही पार्ट। अब चलो हमें ये तो पता है कि भाई प्लस सिंबल, इक्वल टू सिंबल, स्टार सिंबल ये हमारे ऑपरेटिव सिंबल है, ए बी या जो भी अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं ये हमारे आइडेंटिफायर है। अब ये तो मेरे जब एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया था तब एक लाइन की बात थी, अब हमारा जो सोर्स प्रोग्राम होगा वो तो हजारों लाइन का कोड होगा, उस हजारों लाइन के कोड में हमें टोकन्स को रिकग्नाइज करना है। हमने स्पेसिफाई तो कर दिया टोकन को कि भाई आइडेंटिफायर होना चाहिए आपके पास, है ना, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न होना चाहिए, यूनिकॉर्न टोकन बोल रहे हैं। बट अब अगर मेरे पास 10 लाइन्स है, 50 लाइन्स है, 1000 लाइन्स है, उसमें से मैं टोकन्स को रिकग्नाइज कैसे करूँ, हर ये बात समझ में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है रिकग्निशन ऑफ टोकन्स, क्लियर है, यस और नो? यस सर। जैसे मैंने स्पेसिफाई, जैसे मान लो एक बैच है स्टूडेंट की, है ना, अब एक बैच को आप, मैंने बोल दिया कि बच्चों को आपको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज, ठीक है, 50 से 60% वाले एक ग्रुप बना लो, 60 से 70 वाले एक ग्रुप बना लो, 80 से 90 वाले एक ग्रुप बना लो, 90 से 100 वाले, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि इस तरह से मैं कैटेगराइज करूँगा स्टूडेंट्स को। अब उसको रिकग्नाइज कैसे करूंगा कि कौन सा स्टूडेंट 70 वाला है, कौन सा स्टूडेंट 80 वाला है, कौन सा स्टूडेंट 90 वाला है, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रोसेस करना पड़ेगी ना, या तो मैं उनसे कोई गूगल फॉर्म भरवा लूंगा कि बच्चे अपने परसेंटेज लिख दे, या उनकी मार्कशीट बुलवा लूंगा, है ना, जो भी तरीका मैं अपनाऊंगा। तो इसी तरीके से कंपाइलर डिज़ाइन में भी हमने टोकन्स तो स्पेसिफाई कर दिए कि ये मेरा आइडेंटिफायर होना चाहिए, ऑपरेटर सिंबल होना चाहिए टोकन्स, है ना। अब मुझे उस पर्टिकुलर सोर्स प्रोग्राम में कैसे रिकग्नाइज करूँगा कि ये पर्टिकुलर आइडेंटिफायर है, ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिंबल्स, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, उसके लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ती है। जो आपने ईओसी पढ़ा है उसमें आप लोग देखते होंगे कि हम एक स्ट्रिंग है उसको एक फाइनाइट मशीन में हम सेंड करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा में, फिर वो जनरेट करके देती है एक वैलिड टोकन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यस और नो? नहीं पढ़ाए तो मैं एक बार डिस्कस करूंगा, बताइए। बोलो जल्दी तो आगे बढ़े। सर पढ़ा तो है, बाकी एक बार और डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, ऐसे फटाफट बोला करो। तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया था इनपुट बफरिंग, ठीक है, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसको और अंदर हम डिटेल में जा रहे हैं तो हम अल्फाबेट्स के सीक्वेंस अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आइडेंटिफायर की हम बात कर रहे थे, जैसे सेज यूनिवर्सिटी एक स्ट्रिंग है,
कितने कैरेक्टर इसमें 14, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, हम दोनों तरफ ये सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस के अंदर इसको लिखते हैं तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन और टोकन में हमने स्पेशल सिंबल्स भी देखे हैं कि स्पेशल सिंबल्स किस तरह कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये हमारे अरिथमेटिक सिंबल, पंक्चुएशन, असाइनमेंट, स्पेशल असाइनमेंट, ये सब आप लोगों को पता है, इसमें डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्चुअली क्या आता है, स्ट्रिंग्स, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसके बेसिस पे हम टोकन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो क्या है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग्स में हमारे, ये मैं डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि एस अगर मेरी कोई स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, बनाना, BANANA एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें एसोसिएट होती हैं, उसके साथ में उसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, सब स्ट्रिंग होता है, प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रॉपर सफिक्स, है ना, और सब सीक्वेंस होता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप एक स्ट्रिंग में से प्रीफिक्स, सफिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। जैसे एक स्ट्रिंग ऑब्टेंड बाय रिमूविंग जीरो और मोर ट्रेलिंग सिंबल ऑफ स्ट्रिंग एस, हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग लेटर से बाद के सारे ट्रेलिंग वर्ड्स, ट्रेलिंग वर्ड्स मतलब पीछे वाले वर्ड्स को अगर हम हटा दें तो क्या बनता है उसका प्रीफिक्स। जैसे बी ए एन के बाद वाले वर्ड्स मैंने रिमूव कर दिए, ए एन ए, तो क्या बना, केवल बैन। तो ये क्या हो गया, बनाना वर्ड का प्रीफिक्स क्या हो गया, बैन, ठीक है। सफिक्स क्या होता है, आप स्टार्टिंग के सिंबल से हटा दें, स्ट्रिंग ऑब्टेंड बाय रिमूविंग जीरो और मोर लीडिंग सिंबल, ये आप लोगों ने किया हुआ है इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सफिक्स। सब स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रिंग ऑब्टेंड बाय रिमूविंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, आगे और पीछे दोनों तरह के वर्ड्स आप रिमूव कर दो और बीच के वर्ड्स ले लो, तो क्या बन जाता है, सब स्ट्रिंग, क्लियर है। प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स एंड प्रॉपर सब स्ट्रिंग। अब इसमें क्या है, एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग एक्स दैट इज रिस्पेक्ट, अब इसमें क्या होता है, जैसे पहले वाले में क्या है, जीरो और मोर, आप बनाना को प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं लेकिन प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं बोल सकते। प्रॉपर प्रीफिक्स में आपको एटलीस्ट वन वर्ड को रिमूव करना ही होगा, क्लियर है। इसी तरीके से प्रॉपर सफिक्स में आप बनाना जो स्ट्रिंग है उसको सफिक्स बोल सकते हो, ठीक है, विदाउट रिमूविंग जीरो, ठीक है, लेकिन आप उसको प्रॉपर सफिक्स नहीं बोल सकते। प्रॉपर सफिक्स के लिए आपको एटलीस्ट वन वर्ड को रिमूव करना हो, क्लियर है। और सब सीक्वेंस क्या होता है, स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग जीरो और मोर, स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग जीरो और मोर नॉट नेसेसरीली कंटिन्यूअस सिंबल, मतलब कंटिन्यूअस सिंबल नहीं हटाना है हमको। जैसे यहाँ पे मैंने n को हटाया और यहाँ वाले n को रिमूव कर दिया, ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या बन जाता है हमारा, सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस मतलब कंटिन्यूस सिंबल्स नहीं है या कंटिन्यूस पैटर्न नहीं है, बट एटलीस्ट इट इज़ ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, उसके बाहर के उसमें वर्ड्स नहीं। तो ये पांच चीज़ें एसोसिएट है, प्रीफिक्स, सफिक्स, सब स्ट्रिंग, फिर उसी के अंदर आ जाता है हमारा प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रॉपर सफिक्स एंड प्रॉपर सबस्ट्रिंग, और फिर आता है हमारा सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। सभी को क्लियर है ये, हम आगे इसको क्योंकि डिस्कस काम में आएगा, ये सभी को क्लियर है, तो एक एग्जांपल हम इस पे करते हैं, ठीक है। दो एग्जांपल है, राइट प्रीफिक्स, सफिक्स, सब स्ट्रिंग, प्रॉपर प्रीफिक्स, इसमें प्रॉपर सफिक्स और ऐड कर लीजिए, ठीक है, प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रॉपर सफिक्स फॉर द फॉलोइंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक कंपाइलर वर्ड है उसके लिए आपको ये करना है, एक यूनिवर्सिटी वर्ड है, फटाफट से इसको करिए 10 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन। मैं किसी को भी बोल दूंगा स्क्रीन शेयर करने, आपको अपना आंसर शो करना होगा, जल्दी कीजिए, सभी को करना है। एक बार वीडियो ऑन करिए और सभी देखना चाहता हूँ कितने लोगों के पास कॉपी है।
बहुत लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, वीडियो ऑन करो फटाफट। अंजलि, याची, अमन, भाग्यश्री, दीपक, साक्षी, अमन गुप्ता, जल्दी ऑन करिए। मेरे लैपटॉप का तो एक्चुअली कैमरा खराब है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाता हूँ। तो मैं मोबाइल से कनेक्ट हो जाता हूँ। क्वेश्चन को फटाफट करो, फिर हम आगे और इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर लीजिए आप कैमरा ऑफ, अभी करिए आप क्वेश्चन करना।
हो गया। किसी का हुआ? 10 मिनट होने वाले हैं, 10 मिनट के बाद इसको नहीं करेंगे डिस्कस कराऊंगा। किसी का हुआ कि नहीं? ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, सिंपल है और ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है ये चीज। एक एग्जांपल मैं डिस्कस करके बताऊं क्या आप लोगों को, या बन रहा है सभी? मैं डिस्कस करूं? यस सर, एक बता रहे हैं। हाँ ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो हम कंपाइलर को ही डिस्कस करते हैं सबसे पहले। अगर मुझे इसका प्रीफिक्स निकालना है, ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ होगी क्योंकि माउस नहीं है मेरे पास, तो टचपैड से ही मैं चला रहा हूँ। ठीक है, प्रीफिक्स के लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है प्रीफिक्स की? क्या बोलती है डेफिनेशन प्रीफिक्स की? पढ़िए उसको। स्ट्रिंग ऑब्टेंड बाय रिमूविंग जीरो और मोर ट्रेलिंग सिंबल। ठीक है, या तो मैं एक भी जीरो मतलब किसी को रिमूव ना करूं, या जीरो से ज्यादा रिमूव कर दूं। जीरो से ज्यादा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे इसका प्रीफिक्स क्या होगा? ट्रेलिंग सिंबल कौन से हैं? जीरो में क्या होगा, कोई किसी को भी नहीं रिमूव करूं, तो क्या बन जाएगा? कंपाइलर खुद ही उसका प्रीफिक्स बन जाएगा। तो ये तो आप डायरेक्ट ही बता सकते थे कि कोई भी स्ट्रिंग है वो खुद भी उसका प्रीफिक्स है ही, अगर आप जीरो रिमूव नहीं। अब चलिए एक से ज्यादा रिमूव करके देखते हैं। अगर मैं इधर ट्रेलिंग सिंबल कौन से हैं, पी को रिमूव कर दूं, या सॉरी इधर से, ठीक है, तो क्या होगा? पी आर ई एफ आई एक्स को मैंने रिमूव कर दिया, तो प्रीफिक्स क्या बन जाएगा? पी आर ई बनेगा कि नहीं बनेगा? ट्रेलिंग सिंबल मतलब यहाँ से पीछे वाले सिंबल्स आप एक एक करके रिमूव करते जाइए। ठीक है, तो सबसे लास्ट ट्रेल कौन सी है? ट्रेल मतलब लास्ट वर्ड, पूंछ जिसको हम बोलते हैं ना, टेल। तो इधर क्या है, ट्रेलिंग सिंबल क्या है? एक्स सबसे पहला, आप उसको रिमूव कर दीजिए, फिर आई को रिमूव कर दीजिए, फिर एफ। तो जीरो और मोर, अगर आप कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे तो स्ट्रिंग इट्सेल्फ खुद की एक प्रीफिक्स है। इसी तरीके से सफिक्स में क्या होगा, सॉरी मैंने प्रीफिक्स का वो लिख दिया है, एक सेकेंड, कंपाइलर की हम बात कर रहे हैं, तो कंपाइलर में एल ई आर को अगर मैं रिमूव करूंगा तो प्रीफिक्स क्या बनेगा? सी ओ एम पी आई, मैंने प्रीफिक्स वर्ड का ही प्रीफिक्स बना दिया। ठीक है, लेकिन कोई बोला नहीं एक बार भी, क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मुझे ये बताओ। यस सर, समझ तो आ गया था इसलिए नहीं बोला। यस सर, वो मैंने प्रीफिक्स वर्ड का ही प्रीफिक्स बना दिया था, जबकि मुझे बनाना किसका था? कंपाइलर का। कंपाइलर वर्ड के लिए, प्रीफिक्स के लिए मुझे क्या करना है? ट्रेलर वर्ड, ट्रेलिंग वर्ड्स को रिमूव करना है। तो सबसे लास्ट ट्रेलिंग वर्ड क्या है यहाँ पे, जैसे आर ई एल, इसको रिमूव करता हूँ तो इसका प्रीफिक्स क्या बन जाएगा? सी ओ एम पी आई। और अगर मुझे सफिक्स बनाना है तो मैं क्या करूँगा,
जो स्टार्टिंग के वर्ड्स है जीरो और मोर, तो सफिक्स क्या हुआ, स्ट्रिंग इटसेल्फ, कंपाइलर वर्ड कंपाइलर का सफिक्स भी कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक भी वर्ड रिमूव नहीं करूं तो भी वो सफिक्स कहलाएगा, लेकिन अगर मैं जैसे मान लो सी रिमूव कर देता हूं तब इसका क्या बनेगा, सफिक्स सी ओ एम पी आई एल ई, हाँ यही बनेगा केवल सी रिमूव करने पे। तो ये बन गया आपका प्रीफिक्स, ये बन गया आपका सफिक्स, क्लियर है, सब स्ट्रिंग क्या बनेगी अब इसकी, सब स्ट्रिंग क्या होगी बताइए, बोलिए सब स्ट्रिंग क्या होगी, सर जिसमें हम सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों हटा देंगे। हाँ तो क्या क्या आ सकता है, एक एग्जांपल मुझे बताइए सर। पी आई एल, पी आई एल, बिल्कुल पी आई एल हो सकता है। इसका थर्ड जो है सब स्ट्रिंग क्या बनेगा, पी आई एल, ठीक है। प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होगा, प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होगा, क्या सी ओ एम, कंपाइलर, कंपाइलर कैसे होगा प्रॉपर प्रीफिक्स सर, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, क्या बोल रहे हो सर, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, नहीं नहीं प्रॉपर प्रीफिक्स की मैं बात, क्या अच्छा जो मैंने प्रीफिक्स का एग्जांपल लिखा था क्या वो प्रॉपर प्रीफिक्स में आ सकता है, जो मैंने प्रीफिक्स के लिए लिखा है क्या वही प्रॉपर प्रीफिक्स कहलाएगा, बताओ। अगर मैं सी ओ एम पी आई को लिख दूं इट इज ऑल्सो द प्रॉपर प्रीफिक्स, तो इज इट ट्रू और फॉल्स, मुझे बताइए इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही होगा अगर मैं बोल दूं कि यही वाला एग्जांपल इट इज प्रीफिक्स ऑल्सो एंड इट इज प्रॉपर प्रीफिक्स ऑल्सो, यस सर होगा, सही है सर, यस सर होगा, ऐसा कोई है जो बोल रहा है कि नहीं होगा, ऐसा कोई है जो बोलेगा नहीं है इससे डिफरेंट होगा, बताइए जल्दी, कोई ऐसा है जो बोलना चाह रहा है कि ये डिफरेंट है, नहीं मालूम सर क्या मैंने पूछा, आपने तो बता दिया जी बेटा, बाकी बाकी लोग आपके हिसाब से ये प्रॉपर प्रीफिक्स भी होगा है ना। हेलो सर, यस सर, हाँ या जी बोलो, यस सर एक बार प्रीफिक्स और प्रॉपर प्रीफिक्स पे डिफरेंस बता दीजिए, वो नहीं बताए तो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि सही है या गलत, प्रॉपर प्रीफिक्स वो मैं बताता हूँ दो मिनट में वापस से, अभी जिनको समझ में आया था सभी ने बोला था समझ में आ गया है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है प्रीफिक्स का डज इट सेटिस्फाइज एज प्रॉपर प्रीफिक्स आल्सो, क्या ये सॉल्यूशन मैंने जो कंपाइलर का एल ई आर लास्ट के तीन वर्ड्स हटा दिए तो मुझे मिला सी ओ एम पी आई, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रीफिक्स है, क्या ये प्रॉपर प्रीफिक्स भी कहला सकता है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ।
does it satisfy yes sir as proper prefix also? दो लोगों पे ऐसा है, अजीज और दर्शन, बाकी लोग बताएं। बहुत इजी है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं पढ़ रहे हैं हम, इट इज वेरी इजी। इतनी कॉम्प्लेक्स और ऑलरेडी ये आप मेरे ख्याल से टीओसी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा ये। सिर्फ दो बच्चों के आंसर मिले हैं मुझे, 17 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनिए मेरी क्लास में, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपकी तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आए। यस सर। अमित आप बताना चाह रहे हो क्या है, सही गलत कुछ भी बोलो, उससे मतलब नहीं है। अब गलत बोलोगे मैं दोबारा समझाऊंगा, बट बोलो तो सही। यस सर ये हाँ बाकी सही। क्या बोल रहे हो, ये प्रॉपर प्रीफिक्स होगा कि नहीं होगा? सर होगा। होगा। आस्था आप बताओ, प्रॉपर प्रीफिक्स होगा कि नहीं होगा ये? अभिनव अभिनव अमन अमर यस सर होगा प्रॉपर प्रीफिक्स? यस सर। ठीक है, अब क्यों होगा ये कौन बताएगा मुझे, क्यों होगा ये प्रीफिक्स? सर क्योंकि ये स्ट्रिंग के मतलब नॉट इक्वल होता है, जो प्रॉपर स्ट्रिंग रहती है। क्या बोल रहे हैं सर, डेट इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग इटसेल्फ। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। क्योंकि सर जो स्ट्रिंग दी हुई है उससे इक्वल नहीं रहेगा इसलिए। इक्वल नहीं रहेगा मतलब जीरो। चलो एक बार ठीक है, मैं समझ गया, आपका सही है आंसर, बट उसको आप प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रहे हो, बट मैं समझ गया। ठीक है, करेक्ट है आंसर। देखो मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ, अब जो लोगों को नहीं आया समझ में एक बार फिर से देख लें। यहाँ पे हमने क्या बोला था, प्रीफिक्स क्या होगा एक स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग जीरो और मोर ट्रेलिंग सिंबल्स ऑफ स्ट्रिंग एस। तो स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, बी एन ए। ट्रेलिंग सिंबल्स क्या है, यहाँ से स्टार्ट होंगे पीछे से ए एन ए। ये एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, बी ए एन इज प्रीफिक्स ऑफ बी ए मतलब बनाना। तो यहाँ पे मैंने लास्ट के तीन वर्ड्स को रिमूव कर दिया, मुझे क्या मिला, बैन वर्ड, ये प्रीफिक्स है। अगर मैं एक और इसका प्रीफिक्स लिखूं तो बी ए एन ए एन ए, ये भी प्रीफिक्स कहलाएगा क्योंकि मैंने जीरो वर्ड को रिमूव किया। मैंने जीरो वर्ड को रिमूव किया मतलब कोई भी वर्ड मैंने रिमूव नहीं किया है, स्टिल इट विल बी कॉल्ड प्रीफिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अब अगर मैं प्रॉपर प्रीफिक्स की बात करूं, ठीक है, प्रॉपर प्रीफिक्स में मैं ये जो बनाना होगा इट विल नॉट बी ए प्रॉपर प्रीफिक्स। क्यों, प्रॉपर प्रीफिक्स क्या बोलता है, इसमें डेफिनेशन नहीं दी हुई, एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग एक्स दैट इज रिस्पेक्टिवली प्रॉपर, इसमें नहीं दी हुई है डेफिनेशन, बट मैं आपको बता रहा हूँ अलग से कि आपको क्या है, जीरो से ज्यादा सिंबल रिमूव करना पड़ेंगे प्रॉपर प्रीफिक्स के लिए। ठीक है, एटलीस्ट वन सिंबल तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, देन इट विल क्वालिफाई एज ए प्रॉपर प्रीफिक्स। तो बैन विल बी ए प्रॉपर प्रीफिक्स क्योंकि इसमें हमने जीरो से ज्यादा सिंबल रिमूव किए हैं, बट बनाना विल नॉट बी ए प्रॉपर प्रीफिक्स। एटलीस्ट वन कैरेक्टर हमको
रिमूव करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, और इसमें एक सिंबल हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन वाला, विच इज कॉल्ड एज जीरो एलिमेंट, मतलब कोई भी कैरेक्टर नहीं है। देन ऑल्सो इट विल बी क्वालिफाई एज प्रीफिक्स ऑफ एक्स या सफिक्स ऑफ एक्स। कि हमने क्या किया, सारे ही कैरेक्टर को रिमूव कर दिया। सारे कैरेक्टर भी मैं रिमूव कर दूंगा तो भी वो कहलाएगा उसका प्रीफिक्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अगर आप yes, sir. जीरो भी रिमूव करते हो कैरेक्टर्स तो भी वो कहलाता है प्रीफिक्स, अगर आप सारे कैरेक्टर रिमूव करते हो तो भी वो कहलाता है प्रीफिक्स। ठीक है, लेकिन प्रॉपर प्रीफिक्स के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन कैरेक्टर रिमूव होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट उसमें होना चाहिए। तो आप चाहे केवल डी भी लिख दोगे देन ऑल्सो इट विल बी क्वालिफाइड एज ए प्रॉपर प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रॉपर प्रीफिक्स जो होगी वो बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स, प्रॉपर प्रीफिक्स जो होगा बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स तो होगा ही, लेकिन अगर कोई चीज प्रीफिक्स है जैसे एम्प्टी है तो वो प्रीफिक्स तो होगा लेकिन प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं होगा। जैसे फुल अगर स्ट्रिंग लिखी हमने बनाना तो वो प्रीफिक्स तो होगा लेकिन प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं होगा। डिफरेंस समझ में आया दोनों का? डिफरेंस समझ में आया सभी को? यस सर। इसी तरीके से सफिक्स के लिए भी अप्लाई होती है सेम चीज, बस उसमें हम ट्रेलिंग सिंबल्स के बदले लीडिंग सिंबल्स को रिमूव करते हैं। तो अगर मुझे बनाना का सफिक्स बनाना है तो मैं स्टार्टिंग के सिंबल्स को रिमूव करूंगा। सबसे लीडिंग सिंबल कौन सा है या वर्ड कौन सा है, बी, फिर ए, फिर एन। तो इसका सफिक्स क्या बन सकता है, ए एन ए भी बन सकता है। ठीक है, कॉमा, लास्ट का वर्ड ए भी बन सकता है। ठीक है, पूरा वर्ड बनाना भी बन सकता है सफिक्स, और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से वो भी बन सकता है इसका सफिक्स। लेकिन अगर मैं प्रॉपर सफिक्स की बात करूंगा तो नॉन एम्प्टी वाला नहीं होगा और पूरा वर्ड बनाना नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, मेरे ख्याल से अब किसी को डाउट नहीं है। और सब स्ट्रिंग में आप आगे और पीछे के दोनों कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग में भी सेम चीज अप्लाई होगी, लेकिन प्रॉपर सब स्ट्रिंग अब उसमें वो आप जैसे हमने प्रॉपर प्रीफिक्स प्रॉपर सफिक्स देखा वैसे ही प्रॉपर सब स्ट्रिंग के लिए अप्लाई होगा। एम्प्टी नहीं होना चाहिए और एटलीस्ट एक कैरेक्टर रिमूव होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल आप लोग करेंगे, कंपाइलर और यूनिवर्सिटी। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्लास में किसी को भी बोलूंगा तो एटलीस्ट मुझे वो शेयर करके दिखाएगा उसका सॉल्यूशन। हो जाएगा इतना छोटा सा असाइनमेंट है, कंपाइलर और यूनिवर्सिटी के लिए ये पांचों चीजें आपको निकालनी है। कौन कौन सी, प्रीफिक्स, सफिक्स, सब स्ट्रिंग, फिर प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रॉपर सफिक्स और एक सब सीक्वेंस कॉल। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, इतने वाली है तो मैं पहले ही एंड कर देता हूँ, हमारा 40 मिनट्स का स्लॉट खत्म हो रहा है। ठीक है, चलिए मैंने अटेंडेंस मार कर ली थी। आस्था बेटा आप अटेंडेंस मुझे सेंड कर दोगे पहले की जो मार की हुई है? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ये मैं वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, लिंक शेयर की हुई है, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेक्चर में, बाद में ध्यान आ रहा है।